हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं चावल से बना पानी वाला फला। तो हम यहाँ पे चावल से पानी वाला फला तैयार कर रहे हैं। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना हमारे वीडियो को। तो चलिए चावल से इस तरह का फला तैयार करते हैं। कैसे? तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा चावल ले लिए हैं जो हमने यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा भात ले लिए हैं हमने। यहाँ पे दो किस्म के चावल लिए हैं, जो एक वाइट वाला और थोड़ा सा ये जो मटिया कलर का, जो हमने उसको अरवा और उसना बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे ग्राइंडर के सहारे इसको ग्राइंडिंग कर लेना है पहले अच्छी तरह। अब देखिए हमने यहाँ पे अच्छी तरह ग्राइंडिंग करके एक बर्तन में रख लिए हैं। तो इसमें हम ऐड करने वाले हैं नमरी नारियल का कोरा हुआ पूर। ऐसे देखिए नारियल थोड़ा सा हमने कोर लिए थे। इसमें थोड़ा सा हम यहाँ पर मैदा ऐड कर लिए हैं। अब इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। बहुत ही आसानी से आप पानी से ये फला तैयार करके खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है, मज़ेदार भी है खाने में, फ़ायदे भी है इसमें खाने से, विटामिन ज़्यादा है। टेस्ट के हिसाब से हम इसमें नमक भी दे देंगे, कुछ ज़्यादा सामग्री ज़रूरत नहीं है इसमें। ये बहुत ही आसानी से चटपट घर में बन जाता है, खाने में भी बहुत टेस्ट आता है। तो इसे बनाने के लिए हमें पानी का ज़रूरत पड़ता है। तो पानी हम जो ऐसे बर्तन में ले लिए हैं देगची के सहारे में, पानी इस तरह से पानी को अच्छी तरह बॉयल होने देंगे। और यहाँ पे तब तक का पानी बॉयल होते तक का हमें यहाँ पे फला तैयार कर लेना है। देखिए यहाँ पे इस तरह गोल गोल करके हमें चट्टा वाला फला तैयार करना है। बहुत ही आसानी से आप ये फला तैयार करके अपने घर में खा सकते हैं। तो इसी तरह हम पहले रेडी कर लेते हैं सारा फला। देखिए पानी जो है थोड़ा अच्छी तरह पक चुका है, तो हम इसमें फला एक एक करके डालना शुरू करेंगे। पानी में दोस्तों हमें कुछ नहीं डालना है, बस पानी का टेस्ट को नमक सिर्फ डालना है, जो टेस्ट के हिसाब से हम नमक देंगे पानी में। बहुत ही आसानी से आप चटपट घर में बना के खा सकते हैं चावल से बना पानी वाला फलूदा। अब देखिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा जो बचा हुआ पानी था जिसको हमने ग्राइंडिंग किए थे आटे वाले पानी, तो इसमें हम थोड़ा सा मैदा मिला लेंगे, जिससे हमें हमारा जो फला है उसका पानी बहुत ही पतला है, तो हमें इसे गाढ़ा करना है। देखिए यहाँ पे कितना पतला पतला पानी है, तो इसे गाढ़ा करने के लिए हमें यहाँ आटे का सहारा ज़रूरत पड़ेगा। तो इसलिए हमने वहाँ पर आटे का बैटर के जैसा तैयार कर लिए हैं इसमें डालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए नमक थोड़ा टेस्ट के हिसाब से हमने दे लिए हैं। तो अब हम इसमें आटा जो हमने तैयार किए हैं पानी से घोलकर उसे डाल लेंगे यहाँ पे, और ये चटपट बन के रेडी हो जाएगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना हमारे वीडियो को, हमारे चैनल समेत को सब्सक्राइब जरूर करना।